अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू समीरा निसाद ई बैठक। मेरे व्यूअर्स को और मेरे ऑनरेबल गेस्ट को बहुत वेलकम। हमारा आज का टॉपिक है कैरियर काउंसलिंग, और इसमें भी हम स्पेसिफिक सेल्फ असेसमेंट पे बात करेंगे। एंड देयर इज अ फेमस सेइंग दैट नो कैरियर काउंसलर विल बी एबल टू हेल्प यू विद योर कैरियर इफ यू डोंट हैव एन एम, पर्पस एंड पैशन फॉर व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो आपके लिए अपने पर्पस, अपने पैशन को बहुत ज़रूरी है क्लियर करना अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कैरियर डेवलपमेंट पे काम करें। आज मेरे साथ मौजूद हैं वसीम जफर सरगोदा से। हमारी कोशिश ये है कि हम वेब के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मर्ज करें चीज़ों को, एक्सपर्टीज़ को मर्ज करें। जिस तरह कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में कैरियर काउंसलिंग को देख लें, ट्रेनिंग को देख लें, कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, आपको डेवलपमेंट नज़र आती है। लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे काम हो रहा है। हमारा मकसद है कि उस काम को हाईलाइट करें, या अगर किसी जगह पे उसमें हम कुछ अपनी एफर्ट पुट कर सकते हैं या लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसमें अपना रोल प्ले करें। और इसी हवाले से हमने आज सरगोदा से वसीम जफर साहब को इन्वाइट किया है। ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ कैरियर एडवाइज़र, ही इज़ अ पब्लिक स्पीकर, फाउंडर एंड CEO कैरियर एडवाइज़र पाकिस्तान। सो वेलकम टू शो सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है मैम? ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी वसीम साहब, हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जिस तरह मैंने मेट्रोपॉलिटन का जिक्र किया, क्या इसी तरह से सरगोदा साइड पे या आपके एरिया में भी डेवलपमेंट पे, लाइक द आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो क्या डिफरेंट ट्रेनिंग्स के बारे में काम हो रहा है? ऑब्वियसली हो रहा होगा, लेकिन वो किस लेवल पे हो रहा है? और स्पेशली अगर हम यूथ को देखते हैं और कैरियर काउंसलिंग की तरफ आते हैं, तो इस शोबे में आप हमारे साथ थोड़ा शेयर करें अपना एक्सपीरियंस के उस इलाके में किस हद तक इसके ऊपर काम हो रहा है, प्लीज। जी, हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बड़े शहरों में अब काफ़ी काम हो रहा है। देखते रहते हैं हम, सेमिनार्स हो रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, और अवेयरनेस आ रही है कैसे अपने अपनी कैरियर असेसमेंट करनी है, ये कैरियर काउंसलिंग क्या है। लेकिन जो हमारे लेस डेवलप्ड एरियाज हैं, या देहात हैं, या गाँव हैं, या छोटे शहर हैं, वहाँ अभी भी अवेयरनेस नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी कुछ हो रहे हैं प्रोग्राम्स, कुछ यूनिवर्सिटी भी करवा रही हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी करवा रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं है कि जिस तरह के होने चाहिए। आपको पता है हमारी जो 50% से ज्यादा आबादी अभी भी जो है वो देहातों में रहती है, तो छोटे शहर में और लेस डेवलप एरियाज में अभी भी काफी काम करने की जरूरत है, काफी स्कोप है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने भी ये काम स्टार्ट किया था। हम 3-4 लोगों की टीम थी। मैं वसीम थोड़ा सा, साहब अगर आप इजाज़त। जी, जी, वसीम साहब, इसीलिए हम चाह रही हैं कि वहां पे जो लोग इस बारे में काम कर रहे हैं उनकी एफर्ट को भी थोड़ा सा हाईलाइट करें, उसको एक्नॉलेजमेंट मिले और उनको मोटिवेशन मिले कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी यू कैन से पॉजिटिव, और वो वहां पे अगर ऐसा इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसीलिए हमने आज आपको जो है अपने प्लेटफॉर्म पे दावत दी कि आप बताएं कि आपने वहां पे किस तरह से पॉजिटिविटी जो है वो क्रिएट की है। और हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने ज्यादा शोभा जात हैं, आपने सिर्फ इस कैरियर काउंसलिंग के शोबे का इंतखाब क्यों किया? जी, थैंक यू सो मच। आपने वाकई बड़ा अच्छा, आपका ये इनिशिएटिव है, बाकी भी सेशंस आपके बड़े अच्छे जा रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से इसमें जो करियर असेसमेंट और इस तरह के टॉपिक्स पे आप बात करती हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो मैं अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देता चलूँ कि मैं वैसे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप है निशात ग्रुप, उसकी कंपनी में एज अ टीम मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, और इसके अलावा भी मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में काम किया, एक टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया, और सीमेंट सेक्टर में अभी काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, खुद भी एक देहाती इलाके से तल्लक है। फिर मैंने 2011 से मेरी ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन हुई MBA की क्लासेस के लिए इधर चकवाल कैंपस में, क्योंकि वो प्रोफेशनल को थोड़ी प्रायोरिटी दे रहे थे। तो फिर मेरी एज ए ट्यूटरशिप जो है वो अपॉइंटमेंट हुई। तो फिर स्टूडेंट्स के साथ जैसे जैसे मेरी इंटरेक्शन हुई, मुझे फील हुआ कि हमारे जो नौजवान हैं, खासकर जो देहाती इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, इनको बड़ी ज़रूरत है कैरियर काउंसलिंग की, अवेयरनेस की, गाइडेंस की। काफ़ी इनको इश्यूज आते हैं, इनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती, स्टडी ऑप्शंस के बारे में नहीं होता,
और कैसे राइट कैरियर जो है उसको चूज करना है। स्टडी के दौरान काफी उनको इश्यूज होते हैं, फिर इवन जब वो प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखते हैं तो उनको वहां पे काफी मसाइल आते हैं। इंटर्नशिप कैसे हासिल करनी है, सीवी कैसे तैयार करनी है, इंटरव्यू सेशंस जो है वो कैसे उसमें तैयारी करनी है, तो ये काफी इश्यूज थे। तो इनको लेके फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसमें हमारा फोकस अपने देहाती इलाके हों, छोटे शहर हों, और हम अपने प्रोफेशन में भी अपनी जॉब्स जारी रखें और साथ साथ बच्चों के लिए काम करें। तो उसमें फिर मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट थी खातून फैसलाबाद से, उनके साथ हमारी हुई बातचीत और उन्होंने कहा ठीक है जी मैं रेडी हूँ। उनकी एजुकेशन के साथ भी एफिलिएशन थी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में, और उनका अपना क्लिनिक भी है, साइकोलॉजिस्ट हैं वो। इसके साथ सरगोधा यूनिवर्सिटी से थे मेरे एक दोस्त पीएचडी, और वहाँ पे वो काम कर रहे थे एज अ लेक्चरर, तो उनके साथ बात हुई। तो हमारी इनिशियली 3 बंदों की टीम बनी, मुख्तलिफ सेक्टर्स से थे, एक साइकोलॉजिस्ट भी था, एक एजुकेशनिस्ट भी था, और मेरा प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस था। तो हमने फिर सोचा कि ये डिजिटल जो मीडिया है, चैनल्स हैं, इनको यूटिलाइज किया जाए इनिशियली, और ये बड़ा अच्छा है क्योंकि हर बच्चे के पास, टीचर्स के पास, पेरेंट्स सबके पास इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन्स हैं, तो हम इजीली जो है ना रीच आउट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो फिर हमने कई एडवाइजर के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और तमाम डिजिटल मीडिया पे एग्जिस्टेंस हमने बनाई, वेबसाइट बनाई, और उस पर सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है स्टूडेंट्स को, नौजवानों को, कैरियर काउंसलिंग के बारे में, कैरियर असेसमेंट कैसे करते हैं, इंटर्नशिप्स आपने कैसे हासिल करनी है, जॉब्स के बारे में, एडमिशंस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, साइट पे हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐड करते गए, जैसे जैसे हमें जो है वो अंदाजा होता गया कि ये भी नीड है स्टूडेंट्स की। जी वसीम, इसके आपको बाद कितना अर्सा हो गया है ये स्टार्ट किए हुए? जिस तरह आप अपनी शेयर कर रहे हैं सारी प्रोग्रेस, कितनी देर हो गई आपको ये स्टार्ट किए हुए, आपका ये जी ये सेटअप? 2000 हाँ जी ये 2016 से प्लानिंग की थी, और फिर इन 2017 से हमने इसको ऑफिशियली अप्रैल में लॉन्च कर दिया था। तो उसके बाद माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमारा रेस्पॉन्स रहा। हमने फिर अपने इलाके में सरगोधा शहर हो गया, भेरा शहर हो गया, ये जो तहसीलें थी सरगोधा शहर की, इसमें हमने वर्कशॉप्स करवाई कैरियर काउंसलिंग पे, सॉफ्ट स्किल्स पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो करवाई। दैट्स रियली गुड, दैट्स और रियली गुड। जी, तो इसके अलावा हमने जो है डायरेक्ट कैरियर जो असेसमेंट है उसके काफी प्रोजेक्ट किए, और मोर देन 300 स्टूडेंट्स को हमने डायरेक्ट जो है कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज दी, यानी कि जो पूरा प्रोसेस होता है कैरियर काउंसलिंग का, साइकोमेट्रिक टेस्ट, सारी चीजें करके, तो उनको राइट कैरियर चूज करने में हमने जो है वो हेल्प आउट की। तो इसी तरह माशाल्लाह हमारा काम चल रहा है, हम ऑनलाइन भी सेशन जो है वो कैरियर काउंसलिंग पे अभी भी करते हैं, सॉफ्ट स्किल्स पे भी करते हैं, मतलब ट्रेनिंग्स पे भी करते हैं, और इंटरेक्शन हमारी डिजिटल मीडिया के जरिए चलती रहती है। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा वो जो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सेशंस करवाते हैं वो काम रुका हुआ है, तो जैसे ही इंशाल्लाह हालात ठीक होते हैं वो भी हम जो है वो उसको हमने दोबारा शुरू करना है, लेकिन अभी हम कल अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रहे हैं, या जो जैसे सरगोधा के साथ मंडी बाउदीन डिस्ट्रिक्ट है, ये जो नजदीकी इलाके हैं, क्योंकि हमारे जो जाती एरियाज हैं यहाँ पे ज्यादा जरूरत है जी नौजवानों ऐसे को। अग्रेड, जी ऐसे जी जी वाकई काबिले सताइश है आपकी ये कोशिश कि आपने वहां पे इस तरह का इनिशिएटिव लिया, दैट्स वेरी गुड। हमारे साथ उस्मान अहमद हैं इस वक्त और वो पूछ रहे हैं कि व्हाई सेल्फ असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर कैरियर चॉइस, यानी सेल्फ असेसमेंट का और कैरियर चॉइस का आपस में क्या लिंक बनता है, इस बारे में वो जानना चाह रहे हैं। जी जी बड़ा अहम क्वेश्चन है, और ये बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान की 60% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और कुछ अर्सा पहले एक रिसर्च आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो पाकिस्तान के 60% नौजवान जिस फील्ड में भी है या जिस प्रोफेशन में भी है वो अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली नहीं है। यही वजह है कि हमारे नौजवान जो हैं वो डिप्रेशन का और कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। मैट्रिक के बाद उन्हें नहीं पता होता जी हमने क्या करना है, इंटर के बाद फिर उन्हें कंफ्यूजन होती है, ग्रेजुएशन के बाद फिर कंफ्यूजन होती है, फिर प्रोफेशनल लाइफ में जब कदम रखते हैं फिर 2-3 साल जॉब करते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि जी नहीं ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था, इसमें मैं फिट नहीं हूँ, ये मेरे पैशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, इसमें मुझे ग्रोथ नहीं नजर आ रही।
तो इसलिए जो कैरियर असेसमेंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कैरियर असेसमेंट के लिए ये है कि आप सबसे पहले अपने आप को जानें, अपने आप को एक्सप्लोर करें कि अल्लाह ताला ने आपको क्या मुनफरिद सलाहियतें दी हैं दूसरों से। क्या आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, क्या आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, क्या आप अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, क्या आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, क्या आप आईटी की फील्ड में जा सकते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज की फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी। काफी कैरियर ऑप्शंस हैं, 1000 से ज्यादा तो कैरियर ऑप्शंस हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि जी एक इवेंट मैनेजमेंट भी एक पाकिस्तान में इमर्जिंग कैरियर है, फैशन डिजाइनिंग भी एक कैरियर है। हमारे यहाँ तो यही होता है कि जी डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो ज्यादा काबिल स्टूडेंट्स होते हैं हम पेरेंट्स जो है उनको देखे अनदेखे उनको जो है मेडिकल की साइड पे ले जाते हैं, उनसे थोड़ा सा जो डाउन होते हैं उनको हम इंजीनियरिंग वाली साइड पे ले जाते हैं या आईटी में ले जाते हैं, उससे थोड़ा सा डाउन होते हैं उनको कॉमर्स आर्ट्स या इवन फिर हम जो बिल्कुल ही हम सकते हैं कि ये बच्चा नया है तो हम मदरसे के हवाले कर देते हैं। तो इस तरह हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको उसकी सलाहियतों का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे। तो कैरियर असेसमेंट बड़ी जरूरी है, कैरियर प्लानिंग बड़ी जरूरी है। आपको अपनी सलाहियतों को जानना कि आपकी सलाहियतें क्या अल्लाह ताला ने दी हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपका एप्टीट्यूड क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब आप कैरियर सिलेक्शन करेंगे तो फिर आपको मजा आएगा काम करके, आपको थकावट नहीं होगी, आप उसमें आप डेवलपमेंट होगी, आपकी भी डेवलपमेंट होगी, उस इदारे की डेवलपमेंट होगी, सोसाइटी की डेवलपमेंट होगी और एज अ होल पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है उसमें हमारे नौजवान अपना किरदार अदा कर सकते। जी बिल्कुल। अच्छा वसीम, हमें थोड़ा बताइएगा कि आपने अभी तक कितने केसेस हैंडल किए होंगे अंदाजन? हाँ जी, तकरीबन ये हमने तीसरा साल शुरू हो गया आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए जी, आप। हमें तीन जी जी 3 साढ़े 3 साल हो गए जी। जो प्रॉपर हमने कैरियर काउंसलिंग का ये कैरियर असेसमेंट का जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए हमने 300 से ज्यादा जो नौजवान है स्टूडेंट्स हैं उनकी हमने जो है कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज दी है। बाकी तो थाउजेंड्स हैं बच्चे जिनको हमने इनिशियली जो है वो कैरियर काउंसलिंग की या प्रोफेशनल काउंसलिंग की सर्विसेज दी हैं, या वो हमारे प्लेटफॉर्म से आए हैं और किसी न किसी को हमारे प्लेटफॉर्म से मिली है इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज के बारे में, एडमिशन्स के बारे में, जॉब्स के बारे में, या सीवी कैसे लिखते हैं, इंटरव्यू सेशन इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार होकर जाना है, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। इस तरह तो काफी थाउजेंड स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन प्रॉपर जो एक फॉलो करके प्रोसेस के वो 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं दैट्स वेरी गुड। अच्छा जी। वसीम साहब, आपको क्या लगता है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में थे तो क्या आपको अपना विजन, अपना पैशन, अपना पर्पस क्लियर था, या आपको भी बहुत सारे उन लोगों की तरह सफर करना पड़ा जिन्होंने काम शुरू कर लिया और बाद में समझ आई कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक? जी, नहीं मेरा माशाल्लाह इस लिहाज से थोड़ा सा बेहतर था कि देहात में रहने के बावजूद मेरे पेरेंट्स भी माशाल्लाह, मेरी वालदा भी टीचर थी और मेरे जो वाले साहब थे वो भी लोकल गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। स्टडी के दौरान भी उन्हें पता था कि हमारा बच्चा पढ़ता है, खुद ही बस ना उसको कहना पड़ता है। तो मेरा बचपन से शौक था कि मैं एमबीए वाली साइड पे जाऊँ ना, उस टाइम थोड़ा सा वैसे ट्रेंड भी था, तो ऐसे ही बस शौक था कि अच्छी फील्ड है और मेरा शुरू से था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करूं। तो फिर उसी को अकॉर्डिंगली मैंने इंटर में मैथ्स और इकोनॉमिक्स रखी, फिर ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स और स्टैट को लिया, फिर आगे फिर एमबीए किया और उसके बाद भी फिर कंटिन्यूसली मैंने कोर्सेज जो रेलिवेंट मेरी फील्ड के थे, सर्टिफिकेशंस वगैरह मेरा सिलसिला चलता रहा इंटरनेशनल मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, आईटी में, आईएसओ में, काफी सारे। तो वो फिर अभी सिलसिला अभी तक जो है वो चल रहा है। तो लेकिन ये है कि ये कैरियर काउंसलिंग का वैसे नहीं था उसमें कि ये या के कैरियर ऐसे सेलेक्ट करना है या कैरियर काउंसलिंग की अवेयरनेस वो चीज़ नहीं थी, वैसे ही बस था कि मैंने एमबीए करना है और मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना है। और मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज भी 2-3 मिली थी लेकिन मैंने की नहीं, और ओपन यूनिवर्सिटी के साथ भी मेरी एफिलिएशन इस हद तक थी कि मैं मुझे शौक था कि मैं अपनी जो एक्सपर्टीज है वो शेयर करूँ बच्चों के साथ। तो इसीलिए फिर मेरी इधर एज अ ट्यूटर मैं काम कर रहा हूँ और बाकी माशाल्लाह मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा मेरा सिस्टम जा रहा है। और बाकी इसके अलावा कैरियर एडवाइजर का प्लेटफॉर्म हम टीम है 4 बंदों की, तो वो हम रन कर रहे हैं सब मिलके जो है, वो भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। जी दैट्स वेरी गुड।
आप मुझे मतलब बता सकते हैं कि अभी तक मतलब कितने बच्चों को आपने हेल्प किया? आपने 300 का जिक्र किया, क्या इसमें कुछ ऐसा केस जो आपको अभी तक याद रह गया हो? क्योंकि कई दफा ऐसे होता है कि काउंसलिंग, कोचिंग और कंसल्टेंसी में कई दफा आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं और वो एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट पे होते हैं कि आप उनको हेल्प आउट करते हैं और वो बहुत थैंकफुल भी होते हैं और उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या कोई केस आपकी नजर से ऐसा गुजरा हो तो प्लीज शेयर करें। हाँ जी, काफी इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, और अनफॉर्चुनेटली मोस्टली स्टूडेंट्स उस टाइम कांटेक्ट करते हैं जब वो अपनी 16 साल 18 साल अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो काफी इस तरह कांटेक्ट करते हैं और काफी कंफ्यूजन, परेशान और टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। इसी तरह एक स्टूडेंट था, उसने कॉन्टेक्ट किया कि सर मैंने लॉ किया है और अभी जब फील्ड में गया हूँ तो मुझे नहीं, यानी कि मैं नहीं कामयाब हो रहा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, उसमें ये इशू है, ये इशू है, वो इशू है। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा फिर आपने लॉ क्यों जो है सेलेक्ट किया था? तो उसने बताया कि सर मेरे जो है ना अंकल भी थे, एडवोकेट थे, लायर थे, और वो बड़ा अच्छा उनका वो चल रहा था और बड़ा अच्छा अर्निंग कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा और मेरे पेरेंट्स ने भी कहा कि जो है ना आप इस साइड पे आए। तो मैंने उसे कहा मैं आपको क्या कर सकता हूँ, आप 18 साल की एजुकेशन आपने कंप्लीट कर ली, इसमें लॉयर भी आप बन गए, 4-5 साल आपने इसमें लगा दिए, तो आपका आपने क्यों पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपके एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली हो, जो आपकी सलाहितों के अकॉर्डिंगली हो, जो आपको मजा हो मजा है जिसमें। तो वो कहता कि जी सर ये तो हमें नहीं पता, इन चीजों का अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब चूंकि फील्ड में आए हैं तो अब पता चल रहा है कि कितना गलत डिसीजन था। तो फिर मैंने कहा कि बेटा आप का जो एप्टीट्यूड है ना वो इसके अकॉर्डिंगली नहीं है, आप थोड़ा सा जिसमें कहते हैं ना कि जो वकील के लिए सलाहियतें होती हैं कि कम्युनिकेशन बहुत हो और वो झूठ भी बोले और वो सारा मतलब काम करे। तो फिर मैंने उसको कहा कि अब आप ये कर सकते हैं कि अब 1-2 साल और आप लगाएं और MBA HR करें, आपको ऑफिस जॉब मिल जाएगी, चलें अच्छी जो कंपनीज होती हैं वो आपको जो है उन HR मैनेजर्स को हायर करती हैं जिन्होंने MBA HR भी किया होता है, उनके पास लॉ की डिग्री भी होती है। तो फिर उसने HR शुरू किया और मुझे फिर कॉन्टेक्ट उसने किया कि सर अब मैं ठीक साइड पे जा रहा हूँ और मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई है कंप्लीशन के बाद। तो बड़ा वो ना थैंकफुल हो रहा था। तो इसी तरह काफी स्टूडेंट्स रब्ता करते हैं, एक ने कॉन्टेक्ट किया सर मैंने जोलॉजी में मास्टर किया है, तो ये तो ऐसे ही बस मैंने दोस्त मेरी फ्रेंड ने रखा था तो मैंने भी जोलॉजी रख ली, तो मुझे तो कोई इसका मैं कर लिया, कोई स्कोप नहीं, कोई कुछ नहीं। काफी कांटेक्ट करते हैं, बस इशू वही होता, वही आता है कि अगर हम बच्चों की मिडिल लेवल पे ही एक सिस्टम बना लें कैरियर काउंसलिंग का और उसी टाइम उनकी डायरेक्शन ठीक कर दें तो फिर हमारे ये इश्यूज जो हैं नौजवानों को ना आए। जी, लेकिन वसीम साहब आपने जो दो एक दो एग्जांपल्स कोट की और आपने जो एक बड़ी डिटेल में वो लॉ वाली बात बताई तो उससे ये पता चलता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है स्टिल देयर आर चांसेस, वहाँ पे होप है। अगर आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा कुछ हो गया और आपको आप एहसास हो रहा है तो बजाय इसके कि गलती को उसी तरह लेके चलने से बेहतर है कि आप अपने पैशन को, अगर आपको एक सर्टेन लेवल पे जॉब स्टार्ट करने के बाद भी पता चला है और आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं ये काम करना चाहिए था, तो स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसकी तरफ मूव कर सकते हैं हम। हमारे साथ एक क्वेश्चन है इस वक्त, आजम नजीर हमसे पूछ रहे हैं कि सर कैरियर काउंसलिंग के लिए आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? जी, देखें कैरियर काउंसलिंग की मैं एक तो थोड़ी सी डेफिनेशन भी इसकी बता दूं। कैरियर काउंसलिंग है क्या बच्चों के लिए? कैरियर काउंसलिंग एक ऐसा मिल है जिसके जरिए आपको अपने अंदर जो छुपी सलाहियतें उसका पता चलता है कि आपका पैशन क्या है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, कौन सा काम करके आपको मजा आएगा, आपका इंटरेस्ट क्या है, यानी जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को। तो जो कैरियर काउंसलिंग का प्रोसेस होता है उसमें यही होता है कि जो अगर आप प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग की सबसे हायर करते हैं तो वो आपके साथ इनिशियली सेशन करता है, फिर इसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है जिससे आपका एप्टीट्यूड पता चलता है, आपके इंटरेस्ट का, आपका IQ का, आपके एप्टीट्यूड का, आपकी पर्सनैलिटी का, यानी कि वो राउंड अबाउट 100 क्वेश्चन होते हैं। तो उसके बाद फिर हमारी जो टीम होती है, फिर हम 3-4 बैठते हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी है और एजुकेशनिस्ट भी है, एक मैं हूँ,
एक और हमारे प्रोफेसर साहब हैं, तो फिर उसको हम उसके साथ जो सेशन हमारा वर्बल हुआ होता है वो देखते हैं, उसके साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिजल्ट देखते हैं, फिर अवेलेबल जो भी करियर ऑप्शंस होते हैं वो हम रिकमेंड करते हैं कि बेटा ये आपके लिए जो है बेस्ट रहेगा, सारी चीजों को कंसीडर करते हुए, उसके पेरेंट्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कंसीडर करते हुए, उसके स्कोप को भी कंसीडर करते हुए, ये सारी चीजें कंसीडर करते हुए उसको रिकमेंड करते हैं, फोर्स नहीं करते, हम रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि जी आपका एप्टीट्यूड जो है वो यही कहता है कि आप इस जो फील्ड में वो ज्यादा कामयाब रहेंगे। और बाकी ये कि पिछले दिनों भी एक मेरा सेशन चल रहा था सर्गोदय यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब के साथ, तो मैंने उनसे भी पूछा कि सर ये जो स्कोप होता है कि जी किस चीज का स्कोप है, इस बारे में क्या कहेंगे, तो वो कहते हैं कि यार जो स्कोप होता है ना हमें इसकी बात नहीं करनी चाहिए, हमें एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोफेशन आपको मैच करता है आप वो ही करें, आप स्कोप को ना देखें। अगर आप फॉर एग्जाम्पल देखें कि क्रिकेटर एक बंदा बनता है उसमें बड़ा स्कोप है, बड़ा पैसा है, लेकिन अगर आपको क्रिकेट का पता ही नहीं है तो फिर आपके लिए तो वो भी स्कोप नहीं हुआ। जो माशरा होता है कामयाब वो उसको सारे लोगों की जरूरत होती है, उसको इंजीनियर्स की भी, डॉक्टर्स की भी, टीचर्स के भी, मैकेनिक्स की भी, यानी कि टेलर्स की भी, सब हों तभी वो जो है वो माशरा कामयाबी से चल सकता है। और हमें वही रिकमेंड करना चाहिए जो बच्चों का एप्टीट्यूड है, उनका जो स्किल्स जो सेट उन है उसके अकॉर्डिंगली रिकमेंड करना चाहिए, इस बात को नहीं फोकस करना चाहिए कि जी फोकस नहीं है और ये स्कोप नहीं है, इन चीजों को हमें इतना नहीं करना चाहिए। वसीम साहब, आपने बहुत एक्सप्लेन किया उस प्रोसेस के सारे स्टेप्स को जिसमें आप डिफरेंट उनको असेसमेंट के प्रोसेस से गुजारते हैं। फिर आपने ये एक बड़ी अच्छी बात की कि आप उनके रुझान के साथ साथ उनका फैमिली बैकग्राउंड, उनके अंदर कितना इन्वेस्ट करने की पावर है उसके पेरेंट्स में, ये चीज भी कंसिडर करते हुए आप उसको चॉइसेस देते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं बताते, आप उसको चॉइसेस देते हैं कि दीज आर द प्रोफेशंस जो तुम्हें सूट कर सकते हैं। दैट इज रियली गुड, जी अमेजिंग जी अब एक्चुअली। देखिए ना, अब हम आगे जी जी हम बताते हैं कि जैसे उसके एप्टीट्यूड मैनेजमेंट साइंसेज का है तो उसमें कौन कौन से आप मजीद कर सकते हैं, यानी मैनेजमेंट साइंसेज का एप्टीट्यूड है या आईटी का है तो मैनेजमेंट साइंसेज में आप एमबीए मार्केटिंग करें, आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट करें, आप लॉजिस्टिक्स करें, आप सप्लाई चेन करें, आप एचआर करें, तो वो हम फिर इस तरह ऑप्शन देते हैं कि ये प्लान ए है, ये प्लान बी है, ये आगे फिर आपका प्लान सी है। दैट्स अमेजिंग। उस्मान अहमद का क्वेश्चन है, हाउ टू यूज सेल्फ असेसमेंट टूल्स टू चूज अ करियर। इसी तरह से मिलता जुलता सवाल पहले भी था उस्मान का, वो बस ये आई थिंक पता करना चाह रहे हैं कि सेल्फ असेसमेंट जो है वो किस तरह से करियर को चूज करने में हेल्प कर रही है हमें। तो जी आई थिंक जी उस्मान इसका पहले, जी जी प्लीज जी जी अच्छा वसीम एक प्लीज। बात, मैं जी जी एक बात क्वेश्चन से थोड़ी रेलेवेंट भी है, मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ कि जो करियर असेसमेंट है इसमें ज्यादा जो रोल होता है वो होता है टीचर्स का और पेरेंट्स का, क्योंकि असल में तो करियर जो काउंसलिंग ये असेसमेंट ये शुरू होती है जब बच्चा मिडिल में होता है, हमारे यहाँ जो बच्चे मिडिल में होते हैं उनको काफी माशाल्लाह शऊर होता है, उनको पता होता है चीजों का, तो उसी टाइम ये करनी चाहिए और उसी के लिए इनिशियली जरूरी है कि आप टीचर्स को ट्रेन करें और पेरेंट्स को अवेयरनेस दें, सेशंस करवाएं। अब जैसे माशाल्लाह ये सेशंस हो रहा है, टीचर्स भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी देख रहे हो, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रही हो, तो कोई ऐसी एक लायमल बनाया जाए हुकूमती लेवल पे, कोई वजारत कायम की जाए करियर काउंसलिंग के लिए नौजवानों की, या एक सिस्टम बनाया जाए कि जी आप हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एक कैरियर काउंसलर जो है उसको अपॉइंट करेंगे, या इवन टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे कैरियर काउंसलिंग की, ताकि वो खुद जो है वो कैरियर काउंसलिंग। अब बच्चा एक मिडिल मैट्रिक होता है उसको इतना नहीं पता होता कि क्या कैसे कैरियर असेसमेंट करनी है, तो ये एक सिस्टम बनाना चाहिए। बाकी जो ये उस्मान का क्वेश्चन है उसमें ये है कि इंटरनेट पर अगर आप किसी प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज नहीं हायर करते तो आप खुद भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे काफी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, फिर ऑनलाइन काफी टूल्स हैं फ्री, आप उस पे अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, आप जाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं लिंक्स भी शेयर कर दूंगा जहाँ पे आप ऑनलाइन क्वेश्चन आंसरिंग होती है तो वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि आपका क्या मतलब है कि एप्टीट्यूड क्या कहता है। बाकी इसके अलावा हमारा एक और भी इनिशिएटिव है, मैं आपको शेयर करता जाऊँ कि हमने जो हमारा YouTube चैनल है उसमें हम मुख्तलिफ प्रोफेशन के बारे में वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे मीडिया साइंसेज भी एक प्रोफेशन है, इवेंट मैनेजमेंट भी एक प्रोफेशन है, आईटी में कितने प्रोफेशन है, इंजीनियरिंग में कितने प्रोफेशन
प्रोफेशन है, मिनरल साइंसेस है, नेचुरल साइंसेस है, मैनेजमेंट साइंसेस के कितने हैं, ताकि बच्चों को स्टडी ऑप्शंस का पता हो, टीचर्स पेरेंट्स को पता हो कि कौन कौन से स्टडी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनका क्या स्कोप है, उनका क्या सिलेबस जो है वो क्या है, कौन कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो करवा रहे हैं। तो इससे भी थोड़ी आसानी होगी बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, कि इस बच्चे के लिए ये कैरियर ऑप्शन जो है वो थोड़ा बेहतर रहेगा उसको अटेंड करने के बाद, जाने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशंस के बारे में बच्चों को नहीं पता होता। पेरेंट्स को हम वही कि जी डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये बस हमने गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, ये नहीं पता कि 1,000 से ज्यादा प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, और कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिसमें आप डॉक्टर से ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, और अर्निंग कोई क्राइटेरिया होता भी नहीं है। क्राइटेरिया ये होता है कि आपको उस काम में मजा आए, काम करने में, आप 12 घंटे भी काम कर रहे हैं, आपको थकावट ना हो, तो सिर्फ आप वो बैल का जो कुएं वाला होता है वो ना बने कि अर्निंग हो रही है लेकिन आप खुद सेटिस्फाई नहीं है, आप खुद इसको एंजॉय नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें जो है कंसीडर करनी चाहिए। दैट्स रियली गुड उस्मान, आई थिंक आपका क्वेश्चन बड़े अच्छे से एड्रेस कर दिया वसीम साहब ने। और दूसरा एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी मैं कि देखिए, जब सेल्फ असेसमेंट है क्या, कि आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है, आपका एम क्या है, आप अपने आप से पूछिए आपको चाहिए क्या। जब वो आप अपने अंदर से ये सारी क्वेश्चनिंग करके, सारी रिसर्च करके चीजें सामने ले आते हैं, और आपको बिल्कुल वही वाली बात, और आपको भी ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिस पे आप अगर काम करें तो आपको थकावट महसूस ना हो, जो आपका पैशन भी हो, जिसको करके आपको खुशी मिले, तो अगर आप वो चीज माइंड में रखते हुए बिल्कुल उन्हीं लाइन्स के ऊपर आप अपना उसी शोभा से मिलता जुलता कोई, या उन्हीं स्किल्स से रिलेटेड आप कोई करियर चूज करते हैं, तो उसमें फिर ये हो जाता है कि आपका पैशन और प्रोफेशन सेम हो जाता है, जो बहुत एक यूनिक पॉइंट होता है। और जब वो आप अचीव कर लेते हो तो आप ग्रो भी करते हो, आप लर्न भी करते हो, आप इंजॉय भी करते हो, और आपको अच्छा लगता है काम करके। तो इसलिए पहले, सबसे पहले तो खुद से सवाल किया जाए ना कि हमारे अंदर खूबियां क्या हैं, हमारे अंदर वो कौन सी स्किल्स हैं जिनको यूटिलाइज करके हम एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। इस वजह से हम सेल्फ असेसमेंट की तरफ पहले आते हैं, बाद में करियर की चॉइस की तरफ जाते हैं। हमारे साथ अगला क्वेश्चन है वसीम साहब रियाज अहमद की तरफ से। वो कहते हैं, व्हाट आर द जनरल रूल्स टू असेस द एप्टीट्यूड ऑफ अ चाइल्ड टू अडॉप्ट अ फील्ड? कौन से रूल्स आप जो हैं वो अप्लाई करते हैं चेक करने के लिए कि किसी का जी एप्टीट्यूड क्या है? जी उसमें यही है ना कि अगर प्रॉपर आपने करना है तो आपको जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसको यूटिलाइज करना होगा, उससे ही एग्जैक्ट पता चलता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, उसके IQ का, उसकी पर्सनैलिटी का, उसके एटीट्यूड का। तो बेहतर तो यही होता है कि आप उसको फॉलो करें। बाकी हमारे यहाँ वही मैं बात कर रहा था कि जब पेरेंट्स होते हैं या टीचर्स होते हैं, ज्यादातर बच्चों के साथ वही अटैच होते हैं, तो बस सम टाइम पता चल रहा होता है, जैसे अब हमें पेरेंट्स बता रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा बहुत शरारती है, बड़ा बोलता है, ठीक है, वो जी हर काम में आगे होता है, इसका मतलब ये है कि उसका एप्टीट्यूड जो है वो लीडरशिप की क्वालिटीज वाला है, या वो उसको दोस्त बनाने में बड़ी दिलचस्पी है, उसकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये है कि वो मार्केटिंग वाली साइड पे ज्यादा कामयाब हो सकता है। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी ये नहीं देखती MBA में एडमिशन करने के लिए कि ये बच्चा जो है इसके एप्टीट्यूड क्या है। मैंने देखा है, क्योंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ, कि आर्ट्स डिग्री होल्डर जो है वो मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं समटाइम, और जिन्होंने MBA मार्केटिंग किया होता है वो उस फील्ड में नाकाम हो रहे होते हैं, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नए दोस्त बनाने की स्किल्स, बात करने की स्किल्स, वो शाही किस्म के होते हैं और MBA कर लेते हैं और आगे जो है वो कामयाब नहीं होते। जी तो बिल्कुल, जनरल रूल्स यही हैं कि आपको अपने बारे में जानना है, अपने आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, क्या सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको मुनफरिद दी हैं, और आप इन टेस्ट को यूज करें प्रॉपर, जो ऑथेंटिक वे है, साइकोलॉजिकल टेस्ट ऑथेंटिक वे। और दूसरा ये है कि जो कैरियर काउंसलर्स भी होते हैं वो भी वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, जिन जिनको एक साइकोलॉजिकल जिनकी क्वालिफिकेशंस हो या ट्रेनिंग्स हो, जैसे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अटैच हैं, प्रॉपर उनकी क्वालिफिकेशन है, और हमारी पूरी टीम जो है इसको फॉलो करती है। तो कैरियर असेसमेंट पहले भी वही बात हुई कि आपने देखना है, आप बस सम टाइम हमारे सब कॉन्शियस में होता है कि यार ये चीज कभी हो जाए ना तो बड़ा मजा है, लेकिन हम इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे थे। अब ये हम में है, अगर हम वेल मेच्योर्ड हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने मुझे सलाहियतें दी हैं,
जिसको काम मैं जिस फील्ड में जाऊं तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं, बहुत अच्छा कामयाब हो सकता हूं। अदरवाइज ये हमारे पेरेंट्स और टीचर्स का भी है, अगर हम बच्चे 8 9 लेवल पे हैं कि हम भी हेल्प आउट करें, या हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे है, या गवर्नमेंट पे है, कोई ऐसा सिस्टम बनाए। अदरवाइज फिर हम खुद भी, आजकल ये डिजिटल सोर्सेज हैं हमारे पास, यूट्यूब पे आप फाइंड आउट करें, वहाँ पे लेक्चर सुने, फिर ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप जाएं तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल वसीम साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और मैं एक इमेजिन कर रही थी एक सिचुएशन के, एक बच्चा बहुत बातूनी है, उसको इंटरेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि मेडिकल फील्ड या आईटी बहुत बेस्ट चीज़ है, और वो उसको फोर्सफुली बिठाना चाह रहे हैं कि ये सारी सब लोगों से कट ऑफ हो जाए और ये बैठ के सिर्फ अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करे, क्योंकि वो इसे एक डॉक्टर की फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो वो बहुत अजीब जी सी सिचुएशन है कि उसकी रुझानात, उसकी चॉइस, वो सब कुछ डिफरेंट है, और हम उसको चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट चले, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है। एक दो दिन पहले हम एक सेशन में डिस्कशन कर रहे थे, उसमें वो सर जिक्र कर रहे थे कि 99% आपका जो एतमाद, आपका जो एटीट्यूड होता है वो काउंट होता है, और सिर्फ 1% जब आप सिलेक्शन हो रही होती है बड़ी कंपनीज में, तो आपका नॉलेज और आपकी स्किल्स उतनी काउंट हो रही होती हैं। सो दैट्स वेरी गुड कि ये कॉन्फिडेंस और ये चीज़ तभी आप में आती है अगर आप बिल्कुल उसी रास्ते पे काम कर रहे हो जो आपका दिल कर रहा हो करने का। जी तो जी थैंक यू मैं सो जी मच आपने। जी 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 एंड सर, जी जी मैं आखिरी बात ऐड करना चाहूंगा, आपकी बात से लिंक ये, मैं यही फोकस करूंगा कि इनिशियल लेवल पे हमें ये क्वेरी काउंसलिंग वाली है जो है ना, इसको अडॉप्ट करना चाहिए सर्विसेज को। हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा हो सकता है वो गैर मामूली, उसका रुझान हो के वो अच्छा वकील बन सके, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उसको अपना डिसीजन इम्पोज करके एक एवरेज लेवल का डॉक्टर बना देते हैं या इंजीनियर बना देते हैं। तो फिर अगर वो, जब वो एक अच्छा वकील बन सकता हो या अच्छा राइटर बन सकता हो या और किसी अच्छे प्रोफेशन में अपनी साहित्यों को मनवा सकता हो, तो हम इसको एवरेज लेवल का एक प्रोफेशनल बना देते हैं जिसमें उसकी अपनी ग्रोथ भी नहीं होती, और जिस इदारे में भी काम कर रहा होता है उसमें भी बस वो कंफ्यूजन डिप्रेशन, और हमने देखे हैं ऐसे केसेस के वो साथ वाले एम्प्लॉयज के साथ भी एटीट्यूड ठीक नहीं है, बॉस के साथ भी ठीक नहीं है, और यानी कि वो परफॉर्म नहीं बंदा इतना कर पाता क्योंकि उसके मैच नहीं कर रहा होता, हमने उसको एवरेज लेवल का एक दे दिया होता है। तो ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, अगर हम कैरियर काउंसलिंग को प्रॉपर अडॉप्ट करें, इसको अहमियत दें, फोकस करें और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे करें, ताकि डिग्री करने के बाद बच्चे जो हैं वो जिस कंफ्यूजन का, डिप्रेशन का, ये या अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे यहाँ उसकी भी एक वजह है। बल्कि मुझे एक एचआर मैनेजर बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी अगर देखें तो आज सिर्फ ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हमें क्वालिफाइड भी लोग नहीं मिलते। अब वही बात कि अब एक एमबीए मार्केटिंग की डिग्री लेके आ गया बंदा और उसका वो एप्टीट्यूड ही नहीं है तो वो इंटरव्यू नहीं क्लियर कर सकता। आप सीएसएस का देख लें, सीएसएस का हमारा कितने परसेंट जो है वो रिजल्ट होता है। तो ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर हम बच्चों की डायरेक्शन ठीक करें, उनको सही कैरियर काउंसलिंग की सर्विसेज दें, टीचर्स को ट्रेन करें, अवेयरनेस सेशंस करें, जिस तरह आज ये सेशन हो रहा है इस तरह के सेशंस और होने चाहिए, सेमिनार्स वर्कशॉप्स होने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो कैरियर काउंसलिंग के बारे में और फिर बच्चों के लिए आसानियां हो। जी बिल्कुल वसीम साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हर आबो हवा, हर जमीन के हिसाब से पौधे होते हैं, और अगर आप कोई पौधा किसी एक ऐसी जगह पे लगा दें जो आबो हवा उसके मुताबिक नहीं है, तो वो कभी ग्रो नहीं करेगा। ये चीजें नेचर में बहुत से मैसेजेस हैं हमारे लिए, तो जो पौधा जिस तरह की जगह के लिए बना होता है उसको वहीं लगाते हैं। तो खुदारा आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी जिस तरह की खसूसियात रखते हैं, वो जो आपको लगता है कि वो उस माहौल में ग्रो कर सकते हैं, काइंडली उनको वो एटमोसफियर दें, वो एनवायरनमेंट दें, वो सराउंडिंग दें, उनको ग्रो करने दें। जबरदस्ती उनको ऐसी तरफ ना लेके जाएं जहां पे उनकी अपनी भी ग्रोथ स्टॉप हो जाए, और लाइक वो जिस जगह पे जाएं वहां पे भी वैल्यू ऐड ना कर सकें, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी वैल्यू ऐड ना कर सकें। अब्बास, आपका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, वसीम साहब आप चेक कीजिएगा, शायद आपको क्लियर हो जाए, अदरवाइज आप इसको रिफ्रेस कर दें प्लीज, कि कैरियर काउंसिल में वक्त क्या रोल प्ले करता है। आई थिंक आप अगर इसको थोड़ा रिफ्रेस कर देंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन अब्बास का है, अगर आप अपने कैरियर से मुतमईन नहीं है तो आप कैसे कैरियर को चेंज कर सकते हैं अगर आप मौजूदा सूरत हाल में खुश नहीं है। ये बिल्कुल वही वाली बात हो गई जो आपने पहले एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, जो ला से जो है वही चार की तरफ शिफ्ट हुए, तो
तो उसी बारे में अब आप पूछना चाह रहे हैं, इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, आप कैरियर बिल्कुल अगर आप सेटिस्फाई नहीं हैं तो अच्छी बात है कि आप कैरियर को मूव करें और सोचें, या आप देखें कि जी ये और स्किल्स मैं ऐड करूं तो मैं इस फील्ड में और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता हूं, या वो मैच करता है। जाहिर बात है उस टाइम डिग्री आप नहीं ले सकते, लेकिन आप ऐसी स्किल्स ले सकते हैं जो आपकी एप्टीट्यूड को मैच करता है। जो यूरोपियन या अमेरिकन बच्चे होते हैं उनके बारे में एवरेज ये है कि वो 2 से 3 दफा अपने एजुकेशन में भी सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती कि आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो या आप कैरियर चेंज कर रहे हो। करना वो चाहिए जो आपका पैशन हो, आपका इंटरेस्ट, शौक, आपका एप्टीट्यूड हो। ये चेंज करने में हर्ज नहीं है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे कैरियर तो आप फिर वही एक वो जो होता है बैल जो बस घूमता रहता है, फिर आप वही होगा आपका और एक सोर्स ऑफ इनकम जस्ट होगा और सारी लाइफ फिर आपकी इसी तरह रहेगी। और चेंज करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात है। सोर्सेज अवेलेबल हैं, ऑप्शंस आपके पास जो है वो अवेलेबल है। बल्कि एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, मुझे याद आ गई कि डॉक्टर अब्दुल कान से पूछा गया था कि सर अगर आप साइंटिस्ट ना होते तो आप क्या करते, या आप किसान होते अगर साइंटिस्ट ना होते तो किसान होते तो क्या करते। तो उन्होंने बताया कि जी अगर मैं किसान होता तो मैं आलू को भी साइंटिफिक तरीके से उगाता, क्योंकि मेरे एप्टीट्यूड में था कि मेरा यानी जो साइंस वाला था तो मैं उसमें भी होता तो मैं उसी एप्टीट्यूड को लेके जो है वो चलता। जी बहुत खूब बहुत खूब, बिल्कुल इसी तरह है वसीम। जहाँ तक आपने हमें एग्जांपल दी कि जो लाइक वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें इस तरह होता है कि लोग चेंज करते हैं, दे आर लाइक उनका हिसाब थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे यहाँ अभी डिग्री मुकम्मल नहीं होती तो बहुत सी उम्मीदें होती हैं कि तुमने जॉब करनी है, बहुत सा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि आपने इतने पैसे लगा लिए अब आपको कुछ करके दिखाना है, फैमिली का प्रेशर होता है। तो हमारे यहाँ चीज़ें थोड़ी और तरह की हैं और इस सोच में तब्दीली आते हुए थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप पर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने एक जो है वो कैरियर चूज कर लिया है लेकिन आप पर रुझान कोई और है, तो आप उसके अंदर अपने उस शौक के अपने पैशन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी इनोवेशन ला सकते हैं जो बिल्कुल एक यूनिक पॉइंट बन जाएगा आपका। ऑब्वियसली जिस तरह अगर वो साइंटिस्ट हो ना बनते और किसान बन जाते तो आलू गोभी जो है वो बड़ी और वो चीज कोई और किसान वैसा कर ना रहा होता तो वो उनका एक यूनिकनेस बन जाती है। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप एक ऐसे सर्टन लेवल पे हैं जहां आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ प्रेशर है, फाइनेंशियल प्रेशर है, तो आप अपने काम में अपने पैशन का थोड़ा सा मिक्सचर डालें और एक नया फ्लेवर उससे क्रिएट करें। बहुत जी, अच्छा। तो आप एक आप वाइंड अप जी कर रही हैं, सॉरी टाइम भी ज्यादा हो गया है, असल में ये थोड़ा टॉपिक भी ऐसा ही है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, ये आखिरी बात बस मैं करना चाहूंगा, ये भी बड़ी जरूरी है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो बच्चे भी घर हैं और मोस्टली प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी घर हैं। एक तो मैं ये कहूंगा कि ये टाइम जो है इसको पॉजिटिव यूटिलाइज करें। आपके पास सोर्सेज अवेलेबल हैं, डिजिटल चैनल्स अवेलेबल हैं, आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल सीख सकते हैं। दूसरा बच्चे ये है कि मैट्रिक और इंटर लेवल से आप अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ अपनी स्किल्स पे भी थोड़ा काम करें, ऐसी स्किल्स को साथ साथ सीखें जो आपकी फील्ड या एजुकेशन से रेलिवेंट हो। जैसे अब MBA मार्केटिंग है, क्योंकि मैं बात बात वही बात कर रहा हूँ MBA की, क्योंकि मेरी अपना वो कैरियर भी है। तो अब ये क्या फ्यूचर में, जी, फ्यूचर में आप सिर्फ वो MBA मार्केटिंग की डिग्री नहीं मांगेंगे बल्कि वो एक्सपर्टीज मांगेंगे कि आपके पास डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की स्किल्स भी हो, यानी आपने ब्रांड अवेयरनेस करनी है डिजिटल चैनल्स को यूज करते हुए, अपनी सेल्स बढ़ानी है, अपने लीड्स, तो जो जिस भी आप फील्ड में है उससे रेलिवेंट आप स्किल्स सीखनी शुरू करें और अभी से शुरू करें। मैट्रिक हैं या इंटर में आप हैं तो थोड़ा टाइम दें, हफ्ते में 1 घंटा दें, 2 घंटे दें। ये जो हम स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं फेसबुक पे, इससे थोड़ा सा अवॉइड करें, ये टाइम वेस्टेज है उसको थोड़ा सा करें। और बाकी ये है कि जो बड़े लोग हैं उनके बारे में पढ़ें, वॉरेन बफेट के बारे में पढ़ें, स्टीव जॉब्स के बारे में पढ़ें, बिल गेट्स के बारे में पढ़ें, हमारे अपने माशाल्लाह लोग हैं बहुत अच्छे, उनके बारे में आप पढ़ें। तो इससे ये होगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा होंगी, आपके अंदर आइडियाज जनरेट होंगे, तो इससे आप तैयार हो सकेंगे अपने आप को प्रोफेशनली। जब आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो माशाल्लाह आपके पास एक थोड़ा सा वो होगा कि आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे कि जी फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, उस बेस पे जॉब नहीं मिली तो मैं कोई काम नहीं कर सकता। वही अमेरिकन जो है वो फ्रीलांसिंग में सबसे आगे इसलिए है कि वहां पे जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो फ्रीलांसिंग से अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस खुद बेयर कर रहे होते हैं।
तो हमारे यहाँ अभी भी माशाल्लाह लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग में, काफी पाकिस्तान माशाल्लाह अभी तीसरे नंबर पे आने वाला है। तो ये स्किल्स सीखें ताकि आप अपने एक्सपेंसेस भी बेयर कर सकें, और फिर आपको ये डर ना हो कि जी मैंने एजुकेशन कंप्लीट की तो हो सकता है मुझे जॉब ना मिले। आपके पास स्किल्स हों ताकि वो आप एटलीस्ट उनको यूटिलाइज करके तो आपका एक जो है वो सोर्स ऑफ इनकम बन सके। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अब्बास कह रहे हैं कि आपने कुछ यूट्यूब लिंक्स का जिक्र किया था जिस पे आप अपनी असेसमेंट खुद से कर सकते हैं, तो वो प्लीज हमसे शेयर कर दें अगर अभी पॉसिबल है। जी। जी मैं एंड पे जब ये सेशन खत्म होता है तो मैं आपके पेज पे ना कमेंट्स में शेयर कर दूंगा सारे लिंक्स जो हैं पहली असेसमेंट के भी और बाकी भी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन रहा, आपने बड़ी अच्छी डिस्कशन की, और सबसे खुशी की बात ये है कि दूर दराज के इलाकों में, जैसे कि आप एक रिमोट एरिया का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड। बड़ा हम इस चीज़ को इनक्रेज कर रहे हैं आपकी एफर्ट को, और माशाल्लाह जिस तरह आप 3 लोगों की हाँ टीम थैंक से स्टार्ट हुए थे आज से 3 साल पहले, और माशाल्लाह आप 4 मेंबर्स हो गए हैं। वी विश कि यू सो आप मच। ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसमें हेल्प कर सकें। हमारे प्लेटफॉर्म के एंड से कोई वैल्यू अगर ऐड हो सकती है आपकी तरफ, वी आर रेडी टू डू दैट फॉर यू। थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं लास्ट में, कोई लास्ट मैसेज देना चाह रहे हैं, वैसे आपने बहुत खूबसूरत बात पहले ही की कि बहुत आप शुक्रिया, तरफ बहुत शुक्रिया। आए, स्किल्स की तरफ आए, इसके अलावा अगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं, यू आर फ्री टू शेयर प्लीज। जी बहुत शुक्रिया, काफी टाइम आपका ले लिया, हाफ ओके, एन आवर थैंक यू का टाइम सो था। मच। एब्सोल्युटली हाँ ओके, जी एब्सोल्युटली हाँ ओके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी फिर अगर आपने अपॉर्चुनिटी दी तो फिर बात करेंगे। व्हाई नॉट, हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा से जो है वो लोगों के लिए वेलकमिंग है। हम तो चाहते हैं कि आप लोग जो कुछ कर रहे हैं, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सकती है, तो हम उसके लिए रेडी हैं। अगर कोई इनिशिएटिव ले रहा है, उसमें हमारी किसी तरह की हेल्प की जरूरत है, तो वी आर रेडी टू डू दिस। थैंक यू जी सो थैंक मच, यू सो सो मच, मच। थैंक यू सर, जजाकल्ला जजाक थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल जी। रखिएगा।